बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस सब डोमेन फर्स्ट रियल नंबर्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि जो गिवन पार्ट्स दिए हुए हैं इनके अंदर हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनको राउंड करना है। किसके मुताबिक? गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हर पार्ट के साथ दी हुई है उसके मुताबिक हमने उसको राउंड करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट के अंदर टू सिग्निफिकेंट फिगर, इसकी ये टू सिग्निफिकेंट फिगर की डिग्री दी हुई है। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, फोर सिग्निफिकेंट फिगर, इसके मुताबिक इनके मुताबिक हमने इन नंबर्स को राउंड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि होल नंबर्स को राउंड कैसे किया जाता है, राउंड होल नंबर्स, और उसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं राउंड होल नंबर्स। सम टाइम्स इन अवर डेली लाइफ वी आर अनएबल टू फाइंड आउट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी आइटम। बाज़ुकात रोजमर्रा जिंदगी में हम किसी भी चीज की एक्चुअल वैल्यू निकालने से कासिर होते हैं। देन वी हैव टू एस्टिमेट और राउंड द वैल्यूज टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हम उसके लिए फिर क्या करते हैं, एस्टिमेटेड या राउंड वैल्यू यूज करते हैं रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ द कॉस्ट ऑफ ए बिस्किट पैकेट इज 19.75 रुपीज, अगर एक बिस्किट के पैकेट की कीमत 19.75 रुपीज है, इन सच सिचुएशन वी आर अनेबल टू पे अमाउंट इन डेसिमल फॉर्म। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम डेसिमल फॉर्म के अंदर अमाउंट पे नहीं कर सकते जो कि 0.75 बनती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, दैट्स वाई वी हैव टू पे 20 रुपीज आफ्टर राउंडिंग। हम इसके लिए क्या करते हैं, राउंड करने के बाद इस फिगर को 20 रुपीज पे करते हैं। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इज कॉल्ड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि लेफ्ट साइड से जो पहला नॉन जीरो नंबर होगा वो हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। अब तमाम जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, यानी कि जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं जो कि नॉन जीरो होंगे 1 to 9, उनके दरमियान में अगर जीरोस आती हैं तो वो जीरोस भी सिग्निफिकेंट ही कंसीडर की जाएंगी। और अगर फर्स्ट नंबर हमारा किसी भी मतलब नंबर के अंदर फर्स्ट डिजिट हमारा जीरो आ जाता है लेफ्ट साइड से, या राइट साइड से हमारा फर्स्ट डिजिट जीरो आता है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं होगा। सिर्फ वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर होंगी जो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आएंगी, यानी कि एक साइड पे टू है और फिर टू जीरोज आ गई हैं, उसके बाद फाइव है, तो वो जो टू जीरोज हैं इस कंडीशन में दोनों टू जीरोज जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होंगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट इज गिवन 4763। अब इसकी जो रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो टू सिग्निफिकेंट फिगर। टू सिग्निफिकेंट फिगर में टू फिगर्स होल आने हैं। सबसे पहला फिगर है 4 और दूसरा 7 है। अब टू सिग्निफिकेंट फिगर बनाने के लिए हमें टू होल नंबर लिखने पड़ेंगे, ये 7 आएगा, लेकिन उससे पहले हमने इस फिगर को राउंड करना होता है। आप देखेंगे ये थर्ड नंबर जो है ये 6 है। अगर ये थर्ड नंबर 5 या 5 से ज्यादा हो तो फिर पीछे वाले नंबर के अंदर एक कैरी चला जाता है और उसमें एक इजाफा हो जाता है, 7 की जगह वो 8 हो जाएगा। अब ये आगे के जो दो नंबर्स हैं ये 0 बन जाएंगे, तो ये हमारा टू सिग्निफिकेंट फिगर बन गया। अब सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में है 7850 2 9। इसमें हम क्या करेंगे, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद है कि थ्री होल नंबर्स लिखने हैं हमने, तो हम कैसे लिखेंगे, 7 8। और अब 5 लिखने से पहले क्योंकि थर्ड लिखने लगे हैं उसने 3 कहा है हमें, तो 3 लिखने के लिए हम फोर्थ वाले फिगर को देखेंगे, डिजिट को देखेंगे फोर्थ को। अगर तो फोर्थ डिजिट 5 या 5 से ज्यादा होगा तो पीछे वाले के अंदर एक कैरी चला जाएगा, और अगर ये 5 से कम होगा यानी कि 0 1 2 3 4 में से कोई डिजिट होगा तो इसमें कैरी नहीं जाएगा, सेम वही नंबर आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे देखें 0 दिया हुआ है तो हम पीछे वाले को कैरी नहीं दे सकते, 5 ही आएगा और बाकी सारे राउंड होके 0 हो जाएंगे, ये 3 डिजिट हमारे
जीरो हो जाएंगे। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में गिवन है 8095321, इसको हमने फोर सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है। अब फोर से मुराद है कि हमने फोर होल नंबर्स लिखने हैं। 8098 आप आसानी से बिल्कुल लिख सकते हैं इसको 809, लेकिन फोर्थ डिजिट लिखने से पहले हमें चेक करना पड़ता है उससे नेक्स्ट डिजिट को कि अगर वो 5 या 5 से ज्यादा होगा तो पीछे वाले को एक कैरी मिलेगा, अदरवाइज वो नंबर सेम ही आएगा। अब यहाँ पे फोर्थ डिजिट के बाद जो फिफ्थ डिजिट है वो 3 है, यानी कि 5 से कम है, इसलिए ये इसको कैरी नहीं दे सकता। 5 सेम एज इट इज आएगा और आगे के जो ये 3 नंबर्स हैं, देखें 5 वैसे ही आ गए और आगे के 3 नंबर्स राउंड होके 0 बन जाएंगे। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट को हमने 0.0289357, इसको हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल इजी है। हम सबसे पहले 0 पॉइंट लिखेंगे। अच्छा, अब मैं आपको याद करवा देता हूँ कि अभी हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था बुक के अंदर ही कि जो लेफ्ट साइड पर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर होगा वो पहला सिग्निफिकेंट नंबर होगा, यानी कि अगर 0 आएगी तो उसको 0 को सिग्निफिकेंट नंबर कंसीडर नहीं करेंगे, लिखा जाएगा लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं किया जाएगा। नॉन जीरो नंबर जो फर्स्ट होगा वही हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर होगा, तो 2 हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर है। 2 के बाद फिर 8, फिर 9 और फिर 3। अब 3 तक पहुंच गए हम, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 0 जो है ना ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर इसकी डेफिनेशन के मुताबिक। अब हमने फिफ्थ सिग्निफिकेंट नंबर लिखने, क्योंकि उसने 5 सिग्निफिकेंट नंबर हमें कहा है, तो पांचवा सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पे 5 है मौजूद, 3 के बाद 5 मौजूद है, लेकिन आखिरी हम जब सिग्निफिकेंट नंबर लिखते हैं तो वो लिखने से पहले देखते हैं कि जो नेक्स्ट नंबर है वो 5 या 5 से ज्यादा तो नहीं है। अगर वो 5 या 5 से ज्यादा होगा तो पीछे वाले को वो एक कैरी दे देगा और खुद 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें गिवन है 7, यानी कि ये 5 से ज्यादा है तो ये 5 को एक कैरी दे देगा, 5 हमारे पास 6 बन जाएगा और 7 0 राउंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट नंबर हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में गिवन है 2345987, इसको हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2345 देखें, लेफ्ट साइड से नॉन जीरो फर्स्ट 4 नंबर तो मैं ऐसे ही उठा लूंगा, 2345। अब 2345 के बाद फिफ्थ नंबर हमारा जो सिग्निफिकेंट नंबर 5 तक लिखने हैं हमने, क्योंकि तो 9 आता है। 9 लिखने से पहले नेक्स्ट नंबर को देखेंगे, यानी कि 6th नंबर को, कि अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो पीछे वाले को वो एक कैरी देकर खुद 0 हो जाएगा। अब इसने पीछे वाले को एक कैरी दिया क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, तो ये जब इसको कैरी देगा तो ये 10 बन जाएगा और 10 का 0 लग जाएगा और ये पीछे वाले को कैरी देगा, ये 6 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास एक राउंड फिगर बन जाएगा 60 60, और ये दोनों खुद 0 हो जाएंगे। अब देखें मैं इसको दोबारा लिखता हूं, 2346000। अब आप सोच रहे होंगे कि 2346, यहाँ हमारे पास होल नंबर ये 4 हैं और आगे फिर 0 आ गया, हालांकि हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर बनाना था, लेकिन इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि हमने तो उसी रूटीन से 5 सिग्निफिकेंट फिगर बनाया था यहां तक, लेकिन वो उस कैरी की वजह से प्लस होके 59 का 60 हो गया, लिहाजा ये सिग्निफिकेंट नंबर 0 ये इसमें कंसीडर होगा। अगर वैसे अगर कोई और नंबर होता तो यहाँ पे कोई नंबर लिखा जाता है, इसे हम 0 नहीं बना सकते, हमको हमें होल नंबर ही लिखना पड़ता है। तो कैरी की वजह से क्योंकि 59 से 60 हो गया, इसलिए ये 0 एक सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होगा। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर आ गया। अब चलते हैं सिक्स पार्ट की तरफ। तो सिक्स पार्ट में गिवन है 0.780247, इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है हमने, राउंड करेंगे तो 0 लिखेंगे पॉइंट। अब देखें ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर कह रहा है तो 780
एट और जीरो, मैंने तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है ना वो लिख लिए हैं, यानी कि होल नंबर्स लिख लिए हैं। 7, 8, 0 ये फर्स्ट नॉन जीरो है, फिर सेकंड भी नॉन जीरो, थर्ड जीरो आ रहा है। लेकिन हमने एक्सप्लेनेशन के अंदर पढ़ा था कि अगर नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान में जो जीरो आएंगी वो सिग्निफिकेंट नंबर कंसीडर होंगी, तो लिहाजा आप ये देखें कि ये नॉन जीरो है, इधर भी नॉन जीरो है, ये सेंटर में आ रहा है जीरो, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट नंबर ही कंसीडर होगा। अब तीन डिजिट्स लिखने के बाद हमने फोर्थ डिजिट लिखना है, यहाँ पे टू है। टू लिखने से पहले, क्योंकि फोर डिजिट करने हमने कंप्लीट 1, 2, 3 लिख दिए हैं और चौथा हमने सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, तो हमने चौथा डिजिट लिखने से पहले देखना है नेक्स्ट को, यानी कि फिफ्थ डिजिट को, कि अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो वो पीछे वाले को कैरी देगा, अदरवाइज अगर वो 5 से कम है तो इसको कैरी नहीं देगा, ये सेम एज इट इज 2 ही आएगा। ये 4 है तो इसको कैरी नहीं दे सकता, ये 2 ही आएगा, और जो लास्ट वाले 2 एक्स्ट्रा हैं वो राउंड होके 0 हो जाएंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट थे, जिसके अंदर हमने डिग्री ऑफ एक्यूरेसी राउंड किया है नंबर्स को, सिग्निफिकेंट नंबर्स डिफरेंट डिग्रीज के अंदर, जिसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर 3, 4 और 5 डिफरेंट थे, तो हमने इनको राउंड किया है और आपको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।